from Morocco. You're watching reactions. In today's video, Reactive video react by by TV. Facts you don't know. Five minutes ago, टीवी इसमें काफी informative चीजें होती है काफी चीजें सीखने को मिलती है दीवी के इस तरह की वीडियोस से जिसमें काफी जो है इन्फॉर्मेश होती है जानने को तो start स्टार्ट द One, two, three. दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टैबलेट और कैप्सूल्स को इस तरह ट्रांसपेरेंट फॉइल पेपर में रैप क्यों किया जाता है और क्या आपको पता है कि नोकिया मोबाइल के स्टार्ट में मिलने वाले ये दो हाथ किसके हैं किस प्लस के? क्या आप जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स में बदबूदार केमिकल क्यों डाला जाता है वेल well, आज किस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ के ऐसे अनयल फैक्ट बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देंगे तो शुरू करते हैं अपना काउंट दोस्तों चाहे बच्चों के खिलौने हो टीवी का रिमोट हो या फिर घर की घड़ियां हो सेल एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट से नई सेल लेकर आते हैं लेकिन जब इन्हें किसी चीज में डालकर यूज करते हैं तो या तो वो काम ही नहीं करते या फिर वो सेल्स थोड़ी ही देर बाद यूज करने के बाद डेड हो जाते हैं लेकिन क्या हो अगर हम सेल्स खरीदने से पहले ही इसकी एफिशियंसी को चेक कर सके सुनने में तो ये बात अजीब लगती है भला सेल्स को किसी चीज में डाले बगैर कैसे चेक किया जा सकता है लेकिन हैरानगी होगी कि एक छोटी सी ट्रिक यूज करके सेल की क्वालिटी का इजीली पता लगाया जा सकता है आपको करना सिर्फ ये है कि सेल को हाथ में पकड़कर इसे जमीन पर आराम से गिराना है अगर तो वो सेल जमीन पर बाउंस करना स्टार्ट कर दे तो इट मीन सेल में पावर कम है और अगर सेल जमीन पर सीधा गिरे और वो बाउंस ना हो या फिर कम बाउंस हो तो इसका मतलब ये है की सेल बिल्कुल परफेक्ट sure. है वेली सिंपल सी टेक्निक को यूज करके कि आप किसी भी सेल की बैटरी को चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर गैस की बात की जाए तो आजकल हर घर में ही गैस सिलेंडर्स मौजूद होते हैं इसे एल भी कहा जाता है जिसका मतलब ये है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये एक ऑर्डरलेस गैस होती है जिसकी कोई स्मेल नहीं होती लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इस गैस की स्मेल नहीं होती तो फिर जब गलती से किसी चूल्हे को ऑन करके छोड़ दिया जाए तो इससे निकलने वाली गैस में इतनी ज्यादा बदबू कहाँ से आ जाती है वेल असल में जब एल को फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर में डाला जाता है तो वहाँ पर वर्कर्स इनमें एक बदबूदार केमिकल एड करते हैं ताकि गलती से किसी चूल्हे की गैस ऑन रह जाए तो ये गंदी स्मेल पूरे घर में फैल जाए और सबको पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है अगर गैस के अंदर ये गंदी स्मेल ऐड ना की जाए तो कभी भी गैस लीक होने का पता नहीं चल सकता और अगर खुदा न खास्ता गैस ऑन रह जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा हो सकता है इसीलिए गैस के अंदर इस बदबूदार केमिकल को एड करना जरूरी होता है वैसे तो ये स्मेल काफी अनोइंग होती है लेकिन इस बदबू ने काफी घरों को जलने से बचाया है दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि पेन किलर जुकाम बुखार मसल रिलेक्सर और इस तरह की दूसरी मेडिसिन जिनका इस्तेमाल नॉर्मल रूटीन में किया जाता है वो हमेशा फॉयल पेपर में रैप होती हैं। इन मेडिसिन को कभी भी बॉटल में पैक करके सेल नहीं किया जाता लेकिन क्या आपको पता है की ऐसा क्यों होता है वे इसकी खास रीजन है असल में पहले ये कांच की बॉटल में ही आती थी फिर उनतीस सेप्टेम्बर उन्नीस को इंग्लैंड में रहने वाली मैरी नाम की लड़की सर दर्द होने पर मेडिकल स्टोर से टैबलेट लेकर आई और इसे खा लिया इसकी कुछ ही देर बाद इस लड़की की डेथ हो गई पहले तो किसी को भी मैरी की डेथ की वजह समझ नहीं आई लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मैरी के घर के एक और फर्द ने इसी कांच की बोतल से एक पेन किलर की टैबलेट खा ली और उसकी भी डेथ हो गई जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला की कि किसी ने मेडिकल स्टोर के अंदर ही इस पेन किलर वाली बोटल के अंदर जहर को मिला दिया था इसके बाद हेल्थ अथॉरिटीज ने इस दवाई समेत बहुत सी दवाइयाँ जो की इसी तरह की बॉटल में

भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है वेल पैकिंग का ये मेथड रियली बहुत यूजफुल है दोस्तों अगर बर्थडे कैप्स की बात की जाए तो ये हर बच्चे की ही फेवरेट होती हैं। बच्चे तो बच्चे इवन बड़े भी इन्हें बर्थडे पर पहनते हैं हर घर में ही बर्थडे फंक्शंस पर ये कौन शेप की कैप्स सब लोग ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में इस कैप को बर्थडे के लिए बनाया ही नहीं गया था सुनने में तो ये बात अजीब लगती है क्यूँकी इनके बगैर तो बर्थडे पार्टी ही अधूरी होती है लेकिन असल में ये कैप डन नाम के एक शख्स ने डिजाइन की थी इन्हें डन कैप्स भी कहा जाता था इन कैप्स को बनाने

दोस्तों अगर मॉडर्न कार्स की बात की जाए तो इनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए बटन्स लगाए जाते हैं लेकिन आप नोट किया होगा कि कार के अंदर कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो यूजेबल लग रहे होते हैं लेकिन जब इन्हें प्रेस किया जाता है तो वो कोई काम नहीं करते इवन इन पर जो फंक्शन बने होते हैं इन्हें दबाने से वो फंक्शन भी वर्क नहीं करते लेकिन सोचने की बात यह है की अगर इन बटन का कोई फंक्शन ही नहीं होता तो इन्हें कार में क्यों लगाया जाता है वेल well, इसकी खास रीजन है असल में जब कोई कार मेनुफेक्ट क्चर की जाती है तो एक ही कार को डिफरेंट वर्जन में बनाया जाता है इनमें एक्सपेंसिव और लो कॉस्ट दोनों तरह की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जाती है जो गाड़िया एक्सपेंसिव वर्जन की होती है इनमें ये प्रॉपरली काम करते हैं लेकिन लो कॉस्ट वाली कार्स में इन बटन को लगाया तो जाता है लेकिन इनका कोई फंक्शन नहीं होता ये कार के अंदर सिर्फ एज ए डमी मौजूद होते हैं इन कार्स का डिजाइन तो सेम ही होता है लेकिन सिर्फ लो वर्जन वाली कार्स में वो फीचर नहीं होते और एक्सपेंसिव वर्जन वाली कार में वो प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं Yeah. Hey. Sure.

पाया जाता है जो इंसानी बॉडी के लिए किसी जहर से कम नहीं होता इसलिए इस को इंसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे माना जाता है वैसे तो ये बीज साइज में बहुत छोटा होता है और बॉडी में जाने के बाद इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता लेकिन अगर ये ज्यादा अमाउंट में खा लिए जाए तो इनका जहर अच्छी खासी इंसान को भी मौत के घाट उतार सकता है वेल एपल के बारे में ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत से मोबाइल ब्रांड्स मौजूद हैं लेकिन नोकिया एक ऐसी कंपनी है जिसे मोबाइल की दुनिया में सबसे पहले फेम हासिल होना स्टार्ट हुआ था इवन नोकिया के बटन्स वाले मोबाइल तो आज भी पूरी दुनिया में स्ट्रेंथ के लिहाज से पहले नंबर पर हैं इवन आप में से भी बहुत से लोग नोकिया मोबाइल को यूज करते होंगे लेकिन क्या आपको पता है की कि जब किसी भी नोकिया के फोन को ऑन किया जाता है तो इस पर जो दो हाथ बने हुए नजर आते हैं वो कौन लोग है आप सब सोच रहे होंगे की शायद ये हाथ नोकिया कंपनी के ऑनर या फिर इनके बच्चों के होंगे लेकिन ऐसा नहीं है दरअसल ये जो दो लोग आपस में हाथ पकड़े हुए दिखाई देते हैं ये दोनों मॉडल्स थे इनमें से एक लेडी है जिनका नाम मेहरता स्टीवर्ट है और दूसरा बच्चा जिसका नाम जैकी जॉनसन था इन्हें ये सीन कैप्चर करने के लिए नोकिया कंपनी ने बकायदा हायर किया था और इस वीडियो को शूट करने के बाद नोकिया के हर मोबाइल की ऑन करने आरोप यही वीडियो दिखाई जाती है दोस्तों अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी गाड़ी पार करने के बाद इसे लॉक करना भूल जाते हैं और जब वो गाड़ी से दूर आ जाते हैं तब इन्हें याद आता है कि गाड़ी को तो लॉक ही नहीं किया बहुत से लोग तो वापस जाकर गाड़ी को लॉक लगा देते हैं लेकिन कुछ लोग एफर्ट से बचने के लिए अपनी गाड़ी को अनलॉक ही छोड़ देते हैं लेकिन आपको जानकर के हैरानगी होगी की एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके गाड़ी के पास वापस जाए बगैर भी दूर से ही अपनी गाड़ी को लॉक किया जा सकता है वेल इसके लिए आपको सिर्फ गाड़ी की चाबी अपनी चिन्ह के नीचे रखनी है और लॉक वाला बटन दबा देना है जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी गाड़ी जहाँ भी होगी वो खुद बहुत लॉक हो जाएगी वेल well, साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव भी किया है असल में इनका मानना है की जब चिन पर कार की कीज लगा कोई बटन प्रेस किया जाता है तो हमारा ब्रेन

जितनी सारी फैक्ट्स थे इस वीडियो में सिवाय एप्पल सीड्स वाली फैक्ट जो हैं वो मुझे पहले पता था उसके बारे में कि एप्पल सीड्स जो हैं वो जहरीले होते हैं उसके अलावा जितने भी फैक्ट्स थे वो पहली दफ़ा जानने को मिले हैं तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं ऐसी वीडियोस से मुझे अच्छी लगती है ऐसी वीडियोस देखना काफ़ी चीज़ें आ, जानने को मिलती है काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है उसमें आई होप कि आप सबको ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी जैसे मुझे अच्छी लगती है और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल जाएगा ऐसी वीडियोस से सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में चल दयान अपना बहुत ख्याल रखिएगा फिर